अज़ीज़ दोस्तों, काबिले सद एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों, कुछ शख्सियात, कुछ लोग, कुछ हवाले ऐसे हैं कि जिनका नाम ही, जिनका तज़करा ही बुज़ुर्गी की अलामत है और जिन लोगों का ज़िक्र ही इंसान के दिल को सुकून अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ महबूब बंदे इस तरह के भी हैं कि जिनकी ज़िंदगी सारी की सारी उसकी मोहब्बत में, अपने मालिक की फरमा बरदारी में, उसके दीन हक के पैगाम की आबियारी में गुज़र गई और उन्होंने अपने शब रोज़ सारे के सारे अपने मालिक के हकीकी के नाम कर दिए। वो लोग इतने अजीम हैं, इतने काबिल क़द्र हैं कि अगर आज भी उनके तज़करे अपने दिल के अंदर बिठाए जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा देता। यकीनन हम हर रोज़ कोई ना कोई बात तो करते ही हैं, कोई ना कोई ज़िक्र तो छेड़ते हैं, कोई ना कोई तज़करा तो हमारे पेश नज़र रहता ही है, तो क्यों ना उन लोगों के तज़करे ज़्यादा किए जाएँ जिनके तज़करे अल्लाह के कुरान ने फरमाए, जिनकी बातों को, जिनके अंदाज़ को, जिनकी गुफ्तगू को रब करीम ने कुरान हकीम में बयान फरमाया। उन्हीं आली मर्तबत ज़ी वक़ार उलिल अज़्म लोगों में से एक बड़ी हस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। कुरान मजीद उनके तज़करों से भरा पड़ा है, किस तरह उन्होंने अपने मालिक हकीकी के कुर्ब में जद्दोजहद की, किस तरह उन्होंने कोशिश फरमाई, किस तरह अपनी सारी कौम के सामने वो डट के खड़े हो गए, किस तरह उन्होंने कुफ्र व शिर्क के ऐवानों में पैगाम तौहीद बुलंद फरमाया और उसके सामने जितनी भी रुकावटें आईं, जितनी भी आजमाइशें आईं, जितनी भी परेशानियां आईं, जितनी भी लोगों ने उनके ख़िलाफ़ मुहिम जोई की, जनाब इब्राहीम खड़े रहे, हत्ता कि सारी कौम ने मिल के आग जलाई। जलाने वाले सारे थे और जलने के लिए तैयारी सिर्फ हज़रत इब्राहीम खलील की थी। इन सारी आजमाइशों से, सारी तकालीफ से, सारे दुखों से हज़रत खलील अलैहिस्सलाम जब हो गुज़रे तो रब करीम ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बना लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के गहरे दोस्त हैं, खलील हैं। नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हबीब है ना अल्लाह के, हुज़ूर तो इमाम है ना रसूलों के। नबी पाक को तो अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी ऊंची और बुलंद रुतबा शान अता फरमाई है ना, लेकिन इसके बावजूद के हुज़ूर इमामुल अंबिया हैं, सरवर अंबिया हैं, सैयदुर रुसुल हैं, इसके बावजूद रसूल पाक ने जनाब इब्राहीम की अजमतों को बयान फरमाया। अल्लाह के कुरान में भी उनकी शाने और मुस्तफ़ा के फरमान में भी उनके तज़करे। और बार चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिन पे ना वारी होने को दिल करता है, यानी वो बात ऐसी है कि बंदे का कुर्बान होने को दिल चाहे। अगर बंदा हो ना साहिब दिल और दिल भी इस तरह का हो कि वो कभी कभी धड़कता भी हो किसी के लिए, उसमें मोहब्बत भी हो अल्लाह रसूल की, तो फिर वो ना बातें ऐसी हैं कि जो थोड़ी सी ना खींच लेती हैं अपनी तरफ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन ना लोग कहेंगे, ये हुजूर ने बयान फरमाया, करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे क़यामत के दिन लोग कहेंगे जनाब इब्राहीम से कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, इस बात का चर्चा आसमानों में भी है और ज़मीनों में भी है। वत्तखज़ अल्लाह इब्राहीम खलीला, आप रब के दोस्त हैं तो ये बात ढकी छुपी नहीं, ये मोहब्बत रूज पकड़ गई, शोहरत पा गई, यानी ज़माने को पता चल गया कि जनाब इब्राहीम अल्लाह के गहरे दोस्त हैं, दुनिया को इसका पता चल गया। हुजूर फरमाते हैं ये जिक्र होगा क़यामत के दिन। आप उस शख्स की अजमत को समझ सकते हैं कि जिनके तज़करे, जिनके अलकाबात, जिनकी शाने उस ज़ुबान से बयान हों जिस ज़ुबान से रब चाहता है कि उसकी तौहीद का तज़करा हो। कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब आप फरमा दें कि अल्लाह एक है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत, एक शख्स ने हुज़ूर की बारगाह में आके अर्ज़ की, या खैरुल बरिया, ऐ सारी मखलूक से बेहतर। तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा, आंखें खोली, मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, ये जो तुमने मुझे खैरुल बरिया कहा है ना, ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। गोया हुज़ूर फरमाने लगे, ये लकब जनाब इब्राहीम का है। अपने अपने अलकाबात होते हैं ना, आजकल अलकाबात चोरी करने का भी बड़ा मिजाज है, बड़ा मिजाज है, सबको लकब चोरी करने, ये भी मेरा हिस्सा है, ये भी मेरा हिस्सा है, ये भी मेरा। खलीलुल्लाह उन्हीं का लकब है। और हुज़ूर ने सब की अजमतें बयान करके अपनी शान, अपनी अजमत, अपनी उम्मत को बताई, फरमाया जनाब मूसा कलीमुल्लाह हैं और बेशक हैं, हज़रत ईसा रूहुल्लाह हैं और बेशक हैं, फरमाया जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं और बेशक हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं और हैं, लेकिन फरमाया आला वाना हबीबुल्लाह, ये याद रखना मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं महबूब हूँ इस बात का। तो यानी उनकी अजमतों की मौजूदगी में, वो किसी ने आला हज़रत के सामने कहा था ना, शान यूसुफ जो घटी वो भी इसी दर पे घटी, तो फरमाया ये गलत बात तूने क्यों की, हुज़ूर किसी को घटाने तो आई नहीं। कहा फिर क्या कहना चाहिए, फरमाया कहो शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी, यहीं से करम हुआ जनाब यूसुफ पर। उनके तज़किरे कुरान पाक में आए, क़यामत तक जनाब यूसुफ का नाम तिलावत किया जाएगा। तो नबी पाक ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमतों को फरमाया खैरुल बरिया, तो उनका लकब है, ये तो उनको कहा जाता है। हुजूर के जो अलकाबात हैं वो तो गिने नहीं ना जा सकते, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम तो शाने देने आए हैं ना, अजमत अता फरमाते। हज़रत इब्राहीम की अजमत जो उम्मत के दिलों में हुजूर ने बिठाई है, उनकी बुलंदी, उनकी शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम, मैंने कहा हुजूर इमामुल अंबिया हैं, हुजूर सरवरे अंबिया हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम हैं जनाब इब्राहीम के। हज़रत इब्राहीम ने बैतुल मुकद्दस में हुजूर के पीछे नमाज अदा की है, पर हुजूर फरमाने लगे हर नबी ने नबियों में से किसी ना किसी को दोस्त बनाया, नबियों की नबियों से दोस्तियां हुई। तो फौरन ज़हन की सतह पर सवाल उठता था, हुजूर आपका दोस्त कौन है? अंबिया की सफ़ों में एक दूसरे से दोस्तियां लगी, हर नबी की किसी पैगंबर से दोस्ती हुई, तो या रसूल अल्लाह आपका दोस्त कौन है? हुजूर फरमाने लगे मेरे दोस्त वही हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, वो मेरे दोस्त हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। और बात चीज़ें तो ऐसी बारीक हैं कि वो जैसे बंदा ज़्यादा गहराई में नहीं उतर जाता, ज़्यादा बारीक हो जाता है और चीज़ों को बड़ी करीब की सतह तक आके उस खूबसूरती और उसका हुस्न मुलाहिज़ा करता है, और इंसान उन सारी निस्बतों से भी प्यार करता है जिनका ताल्लुक महबूब से हो जाता है, उन गलियों से भी प्यार हो जाता है, उन रस्तों से भी प्यार हो जाता है। किसी ने बाबा फरीद से रास्ता पूछा था दिल्ली में, किसी शहर का, किसी मोहल्ले का, किसी इलाके का, तो फरमाने लगे नहीं आता। कब से हो दिल्ली में? फरमाने लगे सालों बीत गए। तो कहा गली का नहीं आता? कहने लगे दो रास्ते मुझे बिल्कुल सही आते हैं, दो बिल्कुल सही आते हैं रास्ते बिल्कुल पक्के, एक जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब के घर जाता है, और दूसरा अगर वो हुक्म दें तो जो वापिस आता है। दो रस्ते, इक्को यार दी याद पकाइए ते वो याद मुकम्मल कीती है। जो काम करने वाला था उसमें कोताही, वो उसमें कोई कजा नहीं किसी किस्म की। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी बंदा ना उन जगहों से भी प्यार करता है जिनकी महबूब से निस्बत हो, उन ताल्लुकात से भी प्यार करता है। हमारे यहाँ लोग ये काम नहीं करते, हमारे यहाँ लोग फ़र्द वाहद से मोहब्बत करते हैं, निस्बतों को छोड़ जाते हैं। हम सादे लोग हैं ना, तो एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग और हमारे अजीज़ों में से ही और उनकी अहलिया दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, तो अपने दामाद की कुछ शिकायतें और कुछ दुख बयान कर रहे थे। तो दुख बयान करते करते कह रहे थे मुंडा बड़ा चंगा है, घर दे नहीं सो ठीक, मुंडा बिल्कुल ठीक है, माँ सिखाती है, बाप गलत गाइड करता है, कुछ थोड़ा जहा नुक्स पहना पाइया च भी है। तो मैं उनकी बातें सुन के हंस पड़ा, तो मुझे कहने लगे आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा जी बात है ना, ना जिसकी माँ ठीक
ना जिसका बाप ठीक, ना जिसके वो खुद कैसे ठीक हो गया। ये अनोखी बात है कि उससे ताल्लुक़ रखने वाली कोई शय ठीक नहीं। और मैंने कहा वो भी उसी तरह का ही है, बस आप उसकी खताएं चश्मपोशी कर रहे हैं क्योंकि निभा करना है ना, और बाकियों से आप तोड़ना चाह रहे हैं। यूँ ना करें, जो ठीक होता है उसकी नस्बतें भी तकरीबन, और अगर कोताहियाँ होती हैं तो फिर कमोबेश कोताहियाँ भी होती ही हैं। हमें समझना है इस बात को कि नस्बत जो हो ना, नस्बत उसका भी, अगर महबूब से प्यार है तो महबूब की औलाद पाक से भी प्यार, अगर हुजूर से प्यार तो जो हुजूर की गलियों में महबूब के साथ चलते थे सहाबा उनसे भी प्यार, अगर महबूब से प्यार तो फिर हुजूर को मक्के से प्यार तो हमें भी मक्के से प्यार, अगर महबूब से प्यार तो नबी पाक को शहर मदीना से मोहब्बत तो हमारी मदीने पे जाने भी कुर्बान, और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को मिसवाक प्यारी तो हमें भी प्यारी, हुजूर को दाढ़ी शरीफ से मोहब्बत तो हमें भी बड़ी मोहब्बत, नबी पाक को किताब व सुन्नत की तालीमात के इबलाग से शगफ तो हम जिंदगी लुटा देंगे इसी काम में। जो चीज़ हुजूर को प्यारी, नस्बतों का जो मनज होना चाहिए, जो इंसान के दिल में कदर होनी चाहिए, उससे कभी कोताही ना करें, वरना आहिस्ता 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 फिर इंसान असल से भी जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया छिपकली को मार दो, छिपकली नजर आए मार दो। हुजूर इसका कसूर, जानवर तो बड़े घूमते हैं ना, और दर्जनों और बीसियों जानवर हैं, और हशरातो लर्द हमें ज़मीन पे चलते दिखाई देते हैं, तो छिपकली ही को क्यों मारे? तो हुजूर फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है, महबूब फरमाने लगे छिपकली को मार दो, इसलिए कि जब जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग जलाई जा रही थी ना, तो ये छिपकली उसको फूके मारती थी और जलाती थी, तो जनाबे इब्राहीम से अगर छिपकली भी इख्तलाफ करे तो हमें वो छिपकली भी पसंद नहीं। हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत, हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना गहरा दोस्त बनाया। आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, कुरान पाक के अंदर जा बजा जनाब इब्राहीम का तज़करा मिलेगा, और उसके अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत छलकती है, जो अपने मालिक से ताल्लुक नज़र आता है, एक बंदा मोमिन की जो शान होनी चाहिए अपने रब के साथ, उसका जो रिश्ता होना चाहिए, उसकी सोचें, उसके नज़रियात, उसकी कल्बी कैफियात, उसका तवक्कुल, उसका सब्र, उसका भरोसा, उसकी उम्मीदें अपने मालिक के साथ किस तरह वाबस्ता होनी चाहिए, ये जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी से यूं नूर फूटता है कि बंजर दिल भी आबाद हो जाते हैं, बेआबाद रूहों पर फूल खिलने लगते हैं। कुरान मजीद की सूरह शुअरा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो तज़करा मिलता है कि वो अपने रब के बारे में किस तरह गुफ्तगू करते हैं, अपने मालिक का तारुफ लोगों को कराते हैं तो किस तरह फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत भी अता करेगा। खाली मेरे रब ने मुझे पैदा नहीं किया, वो मुझे हिदायत भी अता करेगा। वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीन, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफीन, फरमाने लगे जब मैं बीमार होता हूँ ना तो वो मुझे शिफा अता करता है। ये अल्लाह करे आप कुरान मजीद के अल्फाज की लज्जत महसूस करें, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे हिदायत देगा, मेरा रब वो है कि जो मुझे खिलाता और पिलाता है, मेरा रब वो है जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, मेरा रब वो है जो मेरी रूह कब्ज़ करेगा, मुझे वफात देगा और फिर मेरा रब मुझे ज़िंदा भी करेगा। और फरमाया वल्लज़ी अतमाऊ अन यग़फिर ली खतीअती यौमद्दीन, कुर्बान जाए। लफ्ज़ देखें, आजजी देखें, अल्लाह के नबी तो मासूम होते हैं, ख़ताओं से पाक होते हैं, लेकिन फरमाने लगे फिर मुझे उम्मीद है कि मेरा रब क़यामत के दिन मेरी ख़ताएँ भी माफ़ फरमा देगा, मेरा रब क़यामत के दिन मेरी ख़ताएँ भी माफ़ कर देगा। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मालिक का तारुफ़ करा रहे हैं, तज़करा हो रहा है। सबसे पहले इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, मेरा रब वो है
जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत देगा। अल्लाह करीम ने ना इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया, उसकी हिदायत का बंदोबस्त भी फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन में तशरीफ़ लाए तो रब करीम ने फरमाया जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना ज़मीन पे उतर जाओ, और फिर जो शख्स फमन तबिया हुदाया जो पैरवी करेगा ना उस हिदायत की जो मेरी तरफ़ से आएगी तो फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर उस बंदे पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होगा। अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है कब? वही के ज़रिए, कुरान पाक के ज़रिए, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया के ज़रिए अलैहिमुस्सलाम जो हिदायत आती, जो लोग उस हिदायत की पैरवी करते हैं। कुरान मजीद में दूसरी जगह अल्लाह करीम ने फरमा सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, फरमाया अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए जो सबसे बुलंद है, जिसने पैदा किया है, वल्लज़ी क़द्दर फहदा जिसने अंदाज़ा मुकर्रर किया है, और फिर जिसने हिदायत अता फरमाई। रब पैदा करता है, हिदायत देता है, और अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है, मैं एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था, एक होता है कोई दानश्वर आपको मुझे अपनी अकल के मुताबिक मोटिवेट करता है, वो जो अपनी अकल के मुताबिक हमें समझाते हैं उसमें नक्स रह जाते हैं, कमज़ोरियाँ रह जाती। नबी जो समझाते हैं वो अल्लाह की वही के ज़रिए समझाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा ना बैठ के रो रही थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो दोनों जनाब उम्मे ऐमन के पास बैठे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी माँ हैं जनाब उम्मे ऐमन, रज़ाई वालदा हैं, हुज़ूर की बड़ी खिदमत की इन्होंने, वो रो रही हैं। तो शेखैन करीमैन दोनों पास बैठे थे, फरमाने लगे अम्मा जी आप क्यों रोती हैं? उन्होंने कहा इसलिए रो रही हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अल्लाह ने तो महबूब को बुलंद शानें अता फरमाई हैं, हुजूर की अजमतें तो बुलंद से बुलंदतर हैं विसाल के बाद भी। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने जो जुमले कहे वो बड़े समझने वाले हैं, फरमाने लगी मैं रो इसलिए रही हूँ कि हुजूर मौजूद थे ज़ाहिरी तौर पर, तो जो आसमान से वही आती थी ना वो सिलसिला ख़त्म हो गया, वो जो अल्लाह का बंदों से राबता था, वो जो वही आती थी वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत का बंदोबस्त करता है, जनाब इब्राहिम फरमा रहे, कुरान मजीद उसका तज़करा कर रहा है, हमें वो हिदायत लेनी चाहिए जो किताब व सुन्नत से हमें मिलती है, वो रहनुमा उसूल लेने चाहिए जो हमें किताब व सुन्नत से मुयस्सर आते हैं। हमारे यहाँ बरादरी के रस्म व रिवाज, कबाइली रस्म व रिवाज, इलाकाई ज़रूरियात, और फिर ये कि मैं अब चूँकि फ़ैशन बदल गया, अब चूँकि हालात बदल गए, इस तनाजुर में हम अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं। नतीजा जो निकलता है कि ज़माना गुजर गया है, हमारे हालात बेहतर होने को आ ही नहीं रहे। तो हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं रब ने मुझे पैदा किया और मेरा रब मुझे हिदायत भी अता फरमाता है। फिर फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। खिलाता पिलाता कौन है? ये चूँकि बात हज़रत इब्राहिम की है और बयान कुरान मजीद फरमा रहा है, बात में गहराई बड़ी है। फरमाया मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पहले तो उसने बंदोबस्त किया, ज़मीन में अनाज पैदा किया और फिर मुख्तलिफ़ अनवाओ अकसाम की चीज़ें पैदा की, गंदम भी है, जौ भी है, मकई भी है, जिसकी तबीयत को जो मुवाफिक है वो ले सकता है, हर किस्म की चीज़ें पैदा की। और जनाब इब्राहिम कहते हैं ये मेरा रब ही खिलाता पिलाता है, ये सारी चीज़ें पैदा करने के बाद फिर भी अगर से दे तभी बंदा खा सकता है, खुदा ना खास्ता मुंह में ज़ख़म हो जाए तो बंदा खा सकता है? पकी हुई है चीज़ आ गई है आपके सामने पड़ गया, नहीं खा सकते। खाएंगे कब? जब रब खिलाएगा। पियेंगे कब? जब रब पिलाएगा। सामने चीज़ें पड़ी हैं, बेहतरीन बनी हुई हैं, वो कहता है मेरा मैदा कबूल नहीं करता, अब मैं इसको हज़म नहीं कर पाता, अब मेरी तबीयत के साथ। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें, रब की मोहब्बत में की हुई बातें, अल्लाह के प्यार में की हुई बातें, फरमाने लगे खिलाता भी अल्लाह है पिलाता भी अल्लाह। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को बड़ा खोल के बयान किया, जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसली रोज़े रखे ना,
مسلسل روزے، سرکار افطار نہیں کرتے، مسلسل روزہ رکھ لیتے ہیں، تو با صحابہ نے بھی رکھے تو ان کی طبیعت میں نکاہت آ گئی، علیل ہو گئے، تو حضور نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، کھلاتا پلاتا رب بھی ہے، آپ یقین کریں، نعمتیں جتنی مرضی ہوں۔ والذی ہوا یطعمنی ویسکین، جناب ابراہیم کہتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب ہی مجھے۔ پھر حضرت ابراہیم آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا۔ سبحان اللہ، جناب ابراہیم کا انداز دیکھیے، فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں، یہ نہیں فرمایا وہ بیمار کرتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں، یہ عاجزی دیکھیں، یہ تعلیم امت دیکھیں، یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں نا وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کرام جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کی بیماری آزمائش ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ کا قرب اور بڑھتا ہے، ان کی بیماری معاذ اللہ کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی۔ لیکن میری اور آپ کی طرح کے لوگ، ہم جو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں جی؟ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ میٹھا کھایا، اپنے جسم کو آرام دے کیا، کوئی ورزش نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی۔ مومن کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ساری بستر کی نظر کر دے، وہ موبائل لے کے لیٹا ہے تو لیٹا ہی لیٹا ہے، یہ اس کی لائف نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی فعال ہوتی ہے، جد و جہد والی ہوتی ہے، کوشش والی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت اور توانائی پائی جاتی ہے۔ مومن کا کام ہے مسلسل آگے بڑھنا، کوشش کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں اب وہ سستی، وہ روایتی آرام طلبی، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو یہ اسی طرح جو لوگ زیادہ چکنائی استعمال کرتے ہیں، وہ بد پرہیزی کرتے ہیں، زیادہ مرغ اور زیادہ مسالہ جات چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں، اور بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو بیماریاں ہیں نا وہ تو ہماری وجہ سے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں، ان کی بیماری تو کسی ان کی معاذ اللہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو معصوم ہے۔ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، ہماری تعلیم کے لیے فرمایا، جب میں بیمار ہوتا ہوں، کمزوری کی غلطی کی بیمار ہو گئے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں بعض لوگ تھوڑے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، نیکی بھی تھوڑی چند قدم آگے گزار لیتے ہیں شریعت سے آگے، کچھ زیادہ ہی پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، دائرہ شریعت کے اندر حضور نے منع فرمایا تھا ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کرنا، کچھ دیر آرام بھی کرنا۔ جی میں نے عبادت ہی کی ہو، بھائی عبادت کر، پر جو دین تجھے بتاتا ہے اس کے دائرے میں رہ۔ وہ جی ہم دوائی نہیں استعمال کریں گے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ او خدا کے بندے، جب حضور فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو، سوائے بڑھاپے اور موت کے۔ بوڑھا بھی انسان نے ہونا ہے، مر بھی انسان نے جانا ہے، اس کی دوا کوئی نہیں۔ باقی اللہ نے ہر بیماری کی دوائی پیدا کیا، اور دیکھ لے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوائیاں دریافت ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں، میرا رب مجھے۔ حضرت امام جعفر صادق اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے نا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب لوگ گناہ کر کے بیمار ہوتے ہیں نا تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کے شفا عطا فرما دیتا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب لوگ دنیا میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں اور دنیا داری کر کر کے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر رب جب فضل کرے اور اپنے دیدار کی لذت پیدا کر دے تو اس کا مطلب ہے رب لذت پیدا کر کے شفا عطا فرما رہا۔
जब मैं बीमार होता हूँ तो फिर मेरा रब मुझे शिफा अता करता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्म युहयीन, फरमाया वही मुझे वफात देगा और फिर वही मुझे ज़िंदा भी करेगा, फिर कड़ा करेगा क़यामत के दिन मुझे। और फरमाया वल्लज़ी अतमाऊ, मुझे उम्मीद लग गई है। आला हज़रत ने तर्जमा किया है, मेरी मुझे आस लगी है, ये मेरी आस है क्या, अन यग़फिर ली खती आती, के वो मेरी ख़ताएँ बख्श देगा। मैंने कहा अम्बिया मासूम होते हैं, ये भी हमारी तालीम के, उम्मीद रखो किसी जगह भी किसी मकाम पर, ना उम्मीद ना होना, अल्लाह माफ़ करने वाला। उम्मीद लगी है कि वो मेरी ख़ताएँ बख्श देगा, कब, यौमद्दीन क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताएँ सुबह क़यामत माफ़ कर देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़करे, जनाब इब्राहीम की अज़मतें, अपने मालिक को पहचानना, अपने रब से दुआएँ मांगना, यानी इस तसव्वुर को बार बार अपने दिल में पैदा करना कि मुझे पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है, हिदायत का नूर देने वाला मेरा अल्लाह है, खिलाने पिलाने वाला मेरा अल्लाह है, मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देने वाला मेरा अल्लाह करीम है, वही मुझे मौत देगा फिर वही मुझे ज़िंदगी अता करेगा, उम्मीद है क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताएँ भी माफ़ कर दे। अपने दिलों में ये जज्बा लाइए, अपने मालिक के हुजूर अपना सरे नियाल झुकाइए, निकलिए थोड़ा सा दुनिया के झमेलों से, दुनिया की बातों से। कैमरे के पीछे दुनिया नहीं है, दुनिया तो ये है जो बस्ती है आपस में। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का फैज़ान अता करे।